अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वज़ीफ़ा वर्ल्ड चैनल। हम आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं एक बहुत प्यारे वजीफ़े के साथ, और ये वजीफ़ा है कुरान पाक में 29वें पारे में सूरह मुज़म्मिल शरीफ का। सूरह मुज़म्मिल शरीफ देखिए बहुत ज़्यादा फजीलतों की हामिल है। अल्लाह पाक ने ये जो सूरत नाजिल फरमाई है, अगर इसको आप तिलावत करेंगे तो इसके बेशुमार फ़वाद हैं। आपको मुसीबत में अगर तिलावत करेंगे तो मुसीबत टल जाएगी, अगर गरीबी में आप तिलावत करेंगे तो गुरबत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक आपको माल दौलत से नवाज देगा। इसी तरीके से बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा महबूब जो है वो हमसे नाराज़ रहता है, यानी कि मतलब बीवी के लिए शोहर नाराज़ रहता है, या शोहर से बीवी नाराज़ रहती है, या भाई से बहन नाराज़ रहती है, चचा भतीजा इन दोनों में नाराज़गी है, मतलब किसी में भी नाराज़गी हो जायज़ रिश्तों के अंदर, तो आप क्या करेंगे? ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का बड़ा पावरफुल ज़बरदस्त वजीफ़ा है। बस करना यह है आपने कि इसको 27 मरतबा किसी भी वक्त बावजू हालत में 27 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 या 7-7 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, बीच में 27 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, और आप सुरमे पे पढ़ के दम कर दें, और उस सुरमे को लगाना है आपने, और लगा के आपने उसके सामने जाना है जिससे नाराज़गी है और जो आपकी तरफ देखता नहीं या फिर आपसे मोहब्बत नहीं करता। आप यकीन जानें जैसे ही उसकी नज़रें आपकी तरफ जाएंगी, इंशाल्लाह वो मोहब्बत दिल में पैदा होती चली जाएगी और दीवानगी की हद तक मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और फिर कभी भी ज़िंदगी भर नाराज़गी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है, इस पर ज़रूर अमल करिए। उम्मीद है कि वजीफ़ा आपको समझ में आया होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अमल की तौफीक दे और इसकी बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।